नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन सिंह रावत और आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वह है मक्खन से घी बनाने का पूरा प्रोसेस। दोस्तों यह प्योर यानी ऑर्गेनिक तरीका है, जो घी होगा प्योर होगा और बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा। तो देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था, हमने मक्खन निकाल लिया था। तो मक्खन निकालने के बाद मैंने इसको कढ़ाई में रख दिया है और नीचे चूल्हे में आग जला के हम इसको गर्म कर रहे हैं। दोस्तों घी बनाते वक्त आँच का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर हम आँच को ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो घी जलने की के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आँच को मध्यम रेंज में रखा जाता है ताकि घी जले ना। अगर जलेगा तो फिर ये काला हो जाएगा और उसमें जो टेस्ट होगा वो टेस्ट कुछ कैसेला टाइप में हो जाएगा। तो आग का भी इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है, जो आँच यानी मिडिल रेंज में होनी चाहिए। दोस्तों जो ऊपर सतह पे ये झाग सा दिख रहा है, ये मट्ठे की मात्रा है। जैसे हम मक्खन निकालते हैं तो उसके साथ कुछ मट्ठा भी साथ में आ जाता है, यानी छाछ भी साथ में आ जाती है। और जब हम घी बनाते हैं यानी उसको गर्म करते हैं मक्खन को, तो ऊपर से झाग होने लगता है। जैसे जैसे घी बनने वाला होता है तो झाग ऑटोमेटिकली कम होने लगता है और वो जो मट्ठा होता है वो जल के नीचे सतह पर बैठ जाता है और वो काला काला दिखता है हमारे। बाद में जैसे हम घी निकालेंगे उसमें से तो सतह पे काला काला दिखेगा, उसको अपने पहाड़ी भाषा में मेहड़ बोलते हैं। तो वो भी काफ़ी टेस्टी होता है, वैसे जिन लोगों ने खाया होगा उनको पता होगा उसके बारे में। तो उसको हम पहाड़ी भाषा में मेहड़ बोलते हैं। दोस्तों अब आप देखोगे इसमें झाग कम हो गया है। अगर हम इसको ऐसे चेक कर रहे हैं तो देखिए घी थोड़ा सा येलो इस कलर में हो गया है, तो इसका मतलब अब घी बनके तैयार हो गया है हमारा। एंड अगर ये थोड़ा सा भी लेट होगा इसमें, इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है, अगर थोड़ा सा भी लेट होगा तो ये जल जाएगा और फिर ये ब्लैकिश सा हो जाएगा। एंड फिर यानी घी जल गया है तो फिर टेस्ट उसका फिर बेकार हो जाएगा। तो अभी हम इसलिए हमने इसको निकाल दिया है। तो अभी आप मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए चेक इसमें देखिए करछी में, तो ये आपको येलो इस कलर में दिखाई देगा हल्का सा, ये देखिए। तो यानी घी बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, ये देखिए। दोस्तों यह घी की अगर मैं बात करूं तो यह बिल्कुल प्योर घी है, बिल्कुल ऑर्गेनिक घी है और इसमें बिल्कुल दानेदार घी होता है ये। और मैं इसकी अगर रेट की बात करूं तो हमारे अभी पहाड़ में जो इस प्रकार ये घी अगर चल रहा है तो ये 1000 से 1200 रुपये किलो के हिसाब से चल रहा है, यानी 1000 से 1200 रुपये पर केजी के हिसाब से। और इस घी का टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है। अगर आप मार्केट के कोई भी ब्रांड का घी अगर आप खाते हो तो इसके और उसके टेस्ट में बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और जैसे हमने गरम रोटी में डाल दिया या खिचड़ी में डाल दिया तो बिल्कुल घर के अंदर पूरे घी की खुशबू आ जाती है। तो दोस्तों जो ये कढ़ाई के सतह पे जमा हुआ है इसको हम मेहड़ बोलते हैं, ये ब्लैकिश कलर में जो है ये भी काफ़ी टेस्टी होता है। दोस्तों घी बनके तैयार हो गया है और हमने इसे डिब्बे में भी रख लिया है। और इस आज की वीडियो में था बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जरूर शेयर ज़रूर करें। जल्द आऊँगा आपके साथ एक नई वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।